भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग, मुझे ये मालूम हुआ है, वो गांव गांव में जाकर लोगों को यही कहते हैं, देखो बीजेपी की सरकार ने आपको फ्री में आपको खाद्य सामग्री दी है, आपको आटा दाल नमक दिया है, तो आपको नमक जरूर हलाल करना है और बीजेपी को वोट देना है। इस किस्म की बात करके तो जो गरीब लोग हैं उनको भड़काया जाता, उनको गुमराह किया जाता है, जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो कुछ वो दे रहे हैं तो वो आपके टैक्स के जरिए ही, जो सरकार के पास पैसा जाता है उसी से ही दे रहे हैं, तो उससे सरकार का ये कहना कोई एहसान नहीं है गरीब लोगों के लिए कि वो उनको नमक दाल और राशन दे रहे हैं। ये आपका ही है, आपके टैक्स से ही ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को इसके लिए गुमराह किया जाता है। लेकिन इससे जो थोड़ी घनी खाद सामग्री आपको दी जाती है तो इससे आपका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में देश की आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से, खासतौर से हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा, हमारी सरकार द्वारा इसे जरूर रोका जाएगा। ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है।